हिंदू धर्म के जो पाठशाला थे ना, उन्होंने उनको जो रिजेक्ट किया कि देयर इज नो कोविड। अस्सलाम वालेकुम, फोकस एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविस चौधरी, और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और यकीनन आप लोगों को इसमें दिलचस्पी भी होगी। तो जल्दी से टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज का जो हमारा मौजू होगा जिस पे हम बात करने वाले हैं, मौजू ये है COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस। तो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट दोनों में किसकी हिकमत अमली ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आई है, यानी कि किस मुल्क की गवर्नमेंट ने ज़्यादा अपनी आवाम का साथ दिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फिर इंडिया की गवर्नमेंट। आप जल्दी से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक मैं यहाँ आए हुए लोगों की राय जानती हूँ कि उनका क्या कहना है। तो हमारी मज़ीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रह सकें। आई थिंक इससे रिलेटेड पाकिस्तान की पॉलिसी अच्छी थी, उन्होंने बर वक्त स्ट्रेटजी अपनाई और बेहतर था पाकिस्तान के हालात। तो इंडिया में ऐसा क्या था, उनकी गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी कोताही बरती जिसकी वजह से वहाँ पे हालात ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गए? अगर देखा जाए तो उन्होंने लॉकडाउन तो हमारे से पहले ही लगाया था, बट उनका पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा था जो कि मेन रीज़न है। और इंडिया में तो देखें बहुत तबाही फैल हुई है, वहाँ लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल कम पड़ गए, बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं कर रहे लोगों को, और वहाँ तो बहुत ज़्यादा तबाही है। और हमारा मुल्क तो पूरी दुनिया की नस्बत अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है, तो कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन भी उस तरह नहीं हुआ, लोग उस तरह मरे भी नहीं हैं और ऑक्सीजन भी कम नहीं हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया और इमरान खान ने जो है वो काफ़ी सपोर्ट अपनी आवाम को किया। ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया ने क्यों नहीं दिया? देखिए इंडिया ने इनिशियली तो बहुत दिया था ना, बट उसके बाद जो वहाँ पर जो है ना, जैसे कहते हैं आप हिंदू धर्म के जो पाठशाला थे ना, उन्होंने उनको जो रिजेक्ट किया कि देयर इज नो कोविड। तो यही वजह थी कि उन्होंने जो है ना बजाय जो साइंस को ना धर्म को ज़्यादा फोकस किया, तो यही वजह मुझे यही लगती है कि जब आप को पता चल जाए कि एक जो है पैंडमिक है और आप उसको क्लियर रिजेक्ट करें ना, तो बेवकूफ़ी कहलाएगी। और इवन हमारा मज़हब भी हो या उनका मज़हब भी हो, वो कहते हैं अगर किसी भी सिचुएशन हो तो यू हैव टू फॉलो दी करंट सिचुएशन, और उसके जो रूल्स हैं, जो आपकी प्रिकॉशन है, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। तो हमने किया, हमने हमारे ऊपर भी प्रेशर था, हमारे ऊपर भी रिलीजियस प्रेशर भी था, सोशल प्रेशर भी था, पर हमने किया। Pakistan has also now offered to give out ventilators and other medical equipment to India as a gesture of solidarity to India, but New Delhi is yet to respond on that offer. In fact, a social welfare organization called Edi Foundation is all ready to give out about 50 ambulances to India, all manned by Pakistani health professionals. But they yet to get a clearance from the Modi government. अमेरिका की अगर हम बात करें, वो भारत को अपना दोस्त कहता है, दोस्त मुल्क कहता है, लेकिन अगर इस कोरोना की बात की जाए, जब उसके दोस्त मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त था, मदद करने की जब बात की जाती है, तो अमेरिका ने मुंह फेर लिया, उन्होंने मदद करने से इनकार किया। लेकिन वो मुल्क जिसको वो दुश्मन मुल्क कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया, यानी कि इमरान खान साहब ने भी कहा, और एदी फाउंडेशन जो कि हमारी मुल्क की सबसे बड़ी फाउंडेशन जिसको कहा जाता है, उन्होंने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि दोस्त ने पेट जो है वो दिखा दी, कमर दिखा दी कि नहीं अभी हम आपकी मदद नहीं कर सकते, बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो मुल्क जो जिसको वो दुश्मन कहते हैं उसने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया, तो आपकी क्या राय? देखा जाए तो पाकिस्तान मुसलमान ममालिक है, इंसानियत हम के नाते से पाकिस्तान ने हेल्प की है। पाकिस्तान अपना दुश्मन नहीं मानता, बट इंडिया हमें दुश्मन मानता है। अगर देखा जाए तो अमेरिका इंडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करना चाहता है, तो उनका बेसिक उनके साथ इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो यहूदों ने सारे हैं, तो यही मेन रीज़न है। वैक्सीनेशन की जब बात आती है तो अमेरिका ने जो है मुँह फेर लिया, उस टाइम भी इंडिया से अमेरिका ने उनको वैक्सीन नहीं दी, उनको कहा कि भाई पहले हमारे लोग हैं फिर आपके लोग हैं, आपका बाद में सोचा जाएगा, पहले हम अपने मुल्क को बचा लें। यानी खुदगर्जी का मुजाहरा किया है। तो पाकिस्तान ने हमें कभी भी ऐसा नहीं किया, इमरान खान साहब ने भी कहा कि यार हम आपके साथ हैं। आप अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे ना, तो आवाम ने भी बहुत ज़्यादा अपना मतलब दिल के लिहाज से दिली लगाओ इंडिया के साथ बहुत दिखाया है कि यार हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, वो जैसे भी हालात हैं हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, इंसानियत के नाते हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए।
नहीं, अमेरिका देखो ना, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है अपना फायदा देखता है, जहाँ चाहे मुड़ जाएगा, इस साइड उसको फायदा नजर आएगा तो उस साइड मुड़ जाएगा, इस साइड फायदा या दिस साइड मुड़ जाएगा, वो उसका कोई खास मजहब नहीं है ना, उसकी बात नहीं कर सकते साहब जी, वो फायदे के पीछे भागेगा। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने फायदा और नुकसान नहीं देखा, बिल्कुल इंसानियत के नाते, उनके के नाते। हाँ, हमारा मजहब भी ये कहता है ना, क्योंकि मुस्लिम हम मेहरबान होते हैं ना, मुसलमान और मेहरबान है, फिर मुसलमान कैसा। और जहाँ पे रही, जहाँ पे रही अमेरिका की बात ना, तो अमेरिकी, अमेरिका जो है ना हमेशा पत्ता फेंकता है, वो जहाँ पे उसको लग रहा है कि अभी मैं ये फ़ायदा, फ़ायदा देखिए, फ़ायदे दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियली फ़ायदा, एक होता है उनको जरा और कहते हैं फाइनेंशियली, और दूसरा होता है एथिकली। अब यहाँ पे ना जो पैंडेमिक सिचुएशन थी ना, ये पूरी वर्ल्ड को कवर कर रही थी, तो उस वक्त अमेरिका के लिए भी चैलेंज था कि सिर्फ इंडिया की मदद करता था, बाकी क्यों नहीं कर रहा था। ये तो हमारे कुरान में भी ना, यहूद नसारा कभी किसी के नहीं बनते, तो ज़ाहिर है मुसलमान तो ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपने दोस्तों का, अजीज़ और अकारब का बढ़ चढ़ के मदद करते हैं, हिस्सा लेते हैं इसमें। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम, वो हमारे से ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, फिर भी हमने उनकी मदद की है, ज़ाहिर ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। मेरा मैसेज यही है कि हमें SOPs पर अमल करना चाहिए, और देखा जाए तो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ममालिक के नस्बत रेट कम है कोविड का, तो बट दूसरे ममालिक में रेट हाई है, तो मेन रीज़न यही है कि हमारे यहाँ तो एहतियात काफ़ी हुई है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग लाखों की तादाद में उनकी मौत वाकई हो चुकी है कोरोना की वजह से, और कोरोना एक तल्ख हकीकत है, एक छुपा हुआ दुश्मन है, तो हमें इसे समझना चाहिए और SOP जो है कोरोना की उस पर अमल करना चाहिए, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं या जो 50+ हैं या जिनकी एज इससे अराउंड अबाउट, उन्हें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अलबत्त जो जी रहे हैं ना, उनको चाहिए कि दे मस्ट फॉलो द प्रिकॉशन, जो COVID-19 के जो हमें अफजरों से बताई गई है ना, जैसे मास्क पहने, हालांकि मैंने नहीं पहना हुआ, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें। देखिए सेहत तो सब कुछ है, और सेहत में ना मेडिकेशन ज़रूरी है, और मेडिकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई भी हैं इंडिया में, जिनका मतलब हमने खुद देखा है कि उनके हालात ऐसे नहीं थे, वो हॉस्पिटल जा रहे थे लेकिन वो वहाँ जगह भी नहीं थी, और ऐसा भी। हाँ जी,